अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दुआ है आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें मेरे बैग पे, आपको अच्छे से ये जो लाइटिंग वाले खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये साथ में प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू समंदर का, आई थिंक वो वाला वहाँ पर पार्क है लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा पार्क है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ ये समंदर से अच्छी अच्छी हवाएं भी आ रही हैं और साथ में इतना अच्छा व्यू भी देखने को मिल रहा है। लेट मी शो यू, ये देखें ये इन दरख्तों में कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है। साथ में फूड स्ट्रीट टाइप एक जगह बनी हुई है और ये जो फीफा वर्ल्ड कप था ये उसके लिए ये जगह बनाई हुई थी, तो इट्स लाइक अ फूड स्ट्रीट। और साथ में ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू ये देखें। खैर इतना अंधेरा है, इतना तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ से देखें आप वो जो झूले की लाइटिंग पड़ रही है ना इस पानी पर, तो वो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। आप सब जब भी कतर आए ना तो एक बार यहाँ का विजिट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ये देखें कितना पीसफुल व्यू, वहाँ पे प्लेन, ठंडी ठंडी हवाएं, और इस प्लेस को तो आप सब जानते ही होंगे, लुसिल टावर। थोड़ा सा मैं आपको क्लोजअप इसका दिखा दूँ, ये देखें, और साथ में ये दूसरा व्यू भी देख लें। यहाँ पे आके ना बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल फीलिंग आती है इंसान को, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को समझने वाले लोग हैं। यू कैन सी, तो मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होके ये पीसफुल एनवायरनमेंट एंजॉय करती हूँ। ये पीछे से आपको नज़र भी आ रहा होगा कितना अच्छा व्यू है। नॉर्मली और दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं, खैर आप महसूस तो नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं ये जो हवा चल रही है, साथ में ये पानी और एक अच्छा सा व्यू, तो लाजमी आप जो है ना मेंटली आपको फ्रेश फीलिंग आती है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे इंटर होने लगी हूँ, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। आई थिंक यहाँ से इन होना है या आगे से, वैसे यहाँ पे बेंचेस भी लगाई हुई हैं अगर कोई बैठना चाहे और इन्जॉय करना चाहे। ये देखें यहाँ पे आउल नाइम का एक छोटा सा केबिन मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर फास्ट फूड हैं सारे, देखें 86 और बाकी सारे अंदर हैं, अंदर भी आपको ले चलती हूँ। ये देखें ये बहुत रिच कंट्री है हर लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टे है, मैं हर एक चीज़ को नोट कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ अपने मुल्क से भी, तो दिस इज़ वेरी रिच कंट्री माशाल्लाह। ये देखें इस बोट का नेम लोसिल क्वीन सी, इतना अच्छा व्यू है यहाँ से, और साथ में ये बोट्स, आई रियली लाइक इट। और ये देखिए ये सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से पैदल जा रही हूँ। जी तो ये मैं अब निकल पड़ी हूँ कतर में। पता है सबसे ज़्यादा जो है ना खूबसूरती वो सिर्फ लाइटिंग से ही की हुई है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है ना उस पे कहते हैं पौधे नहीं उगते, तो ये बाहर से ही सारा इंपोर्ट करके लाके, तो बाकी खूबसूरती इन्होंने जितनी भी है। तो एक बार फिर से
विलाजो आई हूँ। यहाँ पे चॉकलेट्स की भी काफ़ी ह्यूज कलेक्शन है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ चॉकलेट्स बाई करने। सी ये पूरा रैक जो है इस साइड पर भी एंड दिस वन साइड टू, सारे ये चॉकलेट्स हैं। बेरीज, वाटरमेलन, सुशे वालमा, दांगूर सही ना दी। अच्छा ये सब आइसक्रीम्स हैं जिस पे 10% ऑफ लगी हुई है। ये तो मैं उस दिन लेकर गई थी मैंगो, लेकिन मुझे खास पसंद नहीं आई। ये वाली अच्छी है। अच्छा यहाँ पे सारी फ्राइज आइटम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है और यहाँ पर मिनी मैगनम्स हैं ये सारे, बट मैंने वही वाला लिया है। अच्छा यहाँ पे विलाजो से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। एक मैंने अपने लिए फेस क्रीम ली है और बस मैं अभी जा रही हूँ घर। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, कुछ चॉकलेट्स वगैरह बाई की हैं, बस यही सामान चाहिए था। तो साथ में ये टॉर्च टावर। पे अपना व्लॉग दे एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह पामान।